सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में तुहाडा सारिआं दा स्वागत है जी। गल करदे आं 15 मार्च दीआं सूबे पंजाब दीआं खबरां बारे। पहली खबर दोस्तों, मोदी ने कीता किसानां दे खाते च 36,000 पाउण दा ऐलान। मोदी सरकार ने गरीब वर्ग लई सहायता राशि देण दा फैसला कर लिया है। खास गल इह है कि इह राशि केवल उन्हां गरीब किसानां नूं मिलेगी जिन्हां दा नां पीएम किसान सन्मान निधि योजना विच शामिल होवेगा। स्कीम दा लाभ वी उह व्यक्ति चुक सकदा है जिस नूं उक्त योजना तहत 2,000 रुपए की किश्त मिलती होगी। सरकारी अंकड़े मुताबिक करीबन 11 करोड़ किसानों नूं पहलां तो ही सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है ते हुण इह किसान नवी पेंशन स्कीम विच भी निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार की इस स्कीम तहत योग लोग सालाना 36,000 हासिल कर सकते हैं, वह भी बगैर किसी दस्तावेज दिते। इस योजना नूं पीएम किसान मानधन योजना का नाम दिता गया है। इस तहत छोटे ते सीमांत किसानों हर महीने 3,000 रुपए पेंशन देन दी योजना है। जो किसान पहले तो पीएम किसान सन्मान निधि योजना का लाभ लै रहा है तो उस नूं किसान मानधन योजना लई कोई भी दस्तावेज नहीं देना होवेगा, जबकि बाकियों नूं वक्खरे तौर ते रजिस्ट्रेशन करवानी पवेगी। मानधन योजना के लाभपात्री बनन दी उम्र 18 तो 40 साल होनी चाहीदी है। जिस किसान कोल वध तो वध 2 हेक्टेयर की खेती जमीन है सिर्फ वह इस योजना का लाभ चुक सकते हैं। इस स्कीम तहत रजिस्टर होए किसानों नूं 55 रुपए तो लैके 200 रुपए तक हर महीने जमा करवाने पैणगे। किसानों नूं घट्टो घट 20 अते वध तो वध 40 साल तक यह प्रीमियम भरना होवेगा। इस तरह इकट्ठे होए पैसे नाल किसान पेंशन पाउण दे हकदार हो सकते हैं। अगली खबर दोस्तों, कोरोना वायरस की दूजी लहर च किवें होणगीआं प्रीख्यावां, जाणो बोर्ड का नवा फैसला। कोरोना वायरस की दूजी लहर मगरों विद्यार्थियों दीआं प्रीख्यावां बारे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने स्पष्ट कर दिता है। विभाग वल्लों नॉन बोर्ड जमातों दीआं सालाना प्रीख्यावां 15 मार्च तो लईआं जा रहीआं हन। इह प्रीख्यावां सवेर ते शाम दे सैशन दौरान शिफ्टां विच करवाउण दा फैसला कीता गया है। सिक्ख्या विभाग वल्लों सूबे विच कोरोना महामारी दे वधदे खतरे दौरान विद्यार्थियों दी सेहत सुरक्षा दे मद्देनज़र सारीआं जमातां दे विद्यार्थियों नूं घरां विच ही रहि के पेपरां दी तैयारी करन दे आदेश दित्ते गए हन। इस दौरान पहली तो चौथी, छेवीं, सत्तवीं, नौवीं ते ग्यारहवीं जमात दीआं प्रीख्यावां दौरान विद्यार्थियों की एकत्रता घट करन लई प्रीख्यावां शिफ्टां विच लैण लई विभाग वल्लों मुड़ तों सोधी होई डेटशीट जारी की गई है। सोधी डेटशीट अनुसार सवेर का सैशन सवेरे 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक होवेगा ते 20 मिनट की ब्रेक उपरंत बाद दोपहर 12:20 तो 3:20 तक शाम का सैशन होवेगा। सैकेंडरी स्कूलों के 6वीं ते 11वीं जमात के विद्यार्थियों की प्रीख्या सवेर के सैशन दौरान 9 बजे तो दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि 7वीं ते 9वीं जमात के विद्यार्थियों की प्रीख्या शाम के सैशन दौरान बाद दोपहर 12:20 तो 3:20 बजे तक होगी। अगली खबर दोस्तों, सरकारी स्कूलों च होगी COVID-19 टैसटिंग, मापियां की सहमति नाल स्टूडेंट भी करवा सकणगे टैसटिंग। शहर के सरकारी स्कूलों च 15 मार्च तो 9वीं ते 11वीं क्लास के ऑफलाइन एग्जाम शुरू हैं, जो कि 31 मार्च तक चलणगे। रोजाना एक क्लास स्कूल च आके ऑफलाइन एग्जाम देणगे। दूजे पासे शहर च कोरोना ने दोबारा तो रफ्तार फड़ ली है। इस च प्रशासन दे सेहत विभाग ने चंडीगढ़ के सारे सरकारी स्कूलों च COVID-19 च टैसटिंग करन दा फैसला लिया है, जिसका प्रपोजल सेहत विभाग ने स्कूल एजुकेशन विभाग नूं भेजा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों मंजूरी मिलन दे बाद शहर दे सारे स्कूलों च टैसटिंग दा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ सेहत विभाग तो प्राप्त जानकारी अनुसार सिक्ख्या विभाग नूं स्टाफ दी टैसटिंग करन लई प्रपोजल भेजा गया है। स्कूल दी टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ लई अपनी इच्छा अनुसार टैस्ट करा सकते हैं। स्टूडेंट दे संबंधी अजे कोई प्रपोजल नहीं बनाया गया है। जे कोई स्टूडेंट खुद का टैस्ट करवाना चाहता है तो माता पिता की लिखती इजाजत दिखानी पवेगी, जिसके बाद स्टूडेंट का भी स्कूल च ही टैस्ट हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों, पंजाब के 10वें जिले च भी नाइट करफ्यू का ऐलान, सुरक्षा के मद्देनज़र लिया गया फैसला। सूबे च करोना के दिन प्रतिदिन वाधे ग्राफ नूं देखदिआं पंजाब सरकार ने अज श्री मुक्तसर साहब च भी नाइट करफ्यू का ऐलान कर दिता है। स्कूलों तो बाद शनिचरवार सारे आंगनवाड़ी केंद्र
भी बंद करन दे निर्देश दिते ते फाजिलका च नाइट करफ्यू का ऐलान किया सी। नाइट करफ्यू बारे जिलों की गिनती वध के हुण 10 हो गई है। शनिचरवार नूं पंजाब च एक ही दिन च इनफेक्शन दे 1515 नवे मामले सामने आए हन। 22 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर दोस्तों, किसान अंदोलन विच शहीद होण वाले किसानां दे परिवारां नूं 51,000 रुपए नाल सन्मान। सुल्तानपुर लोधी विखे हो रही किसान महारैली दौरान दिल्ली अंदोलन विच शहीद होण वाले किसानां दे परिवारां नूं महाराजा रणजीत सिंह स्पोर्ट्स क्लब जर्मनी वल्लों 51,000 रुपए नाल सन्मानित किया गया। अगली खबर दोस्तों, पावरकॉम ने तिखी की छापेमारी मुहिम। 2 दिनों में खपतकारां नूं 70.40 लाख रुपए के जुर्माने। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड के CMD श्री ए वेणु प्रसाद और डायरैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर DP S गरेवाल दीयां हदायतां अनुसार राज विच बिजली चोरी दे विरुद्ध PSPCL वल्लों चलाई गई मुहिम नूं वड्डी सफलता मिल रही है। PSPCL दे चीफ इंजीनियर इनफोर्समेंट इंजीनियर जसवीर सिंह भुल्लर ने खुलासा कीता कि वख-वख जोनां दे जलंधर बठिंडा ते पटियाला सर्कल दीयां वख-वख इनफोर्समेंट टीमां ने पिछले 2 दिनां दौरान वख-वख वर्गां दे 426 खपतकारां दे अहाते ते छापे मारे। चोरी अते होर उलंघनावां लई 71.40 लाख रुपए जुर्माना किया। अगली खबर दोस्तों, हैरोइन समगलर की पैड नपदी आई राजस्थान पुलिस ने हाजीवाला दे सरपंच नूं मारी गोली। राजस्थान पुलिस नूं लोड़िंदे किसे हैरोइन समगलर की पैड नपदी आई राजस्थान पुलिस ते स्थानक थाना कैंट पुलिस वल्लों बीती रात पिंड हाजीवाला दे सरपंच जरनैल सिंह नूं गोली मार दिती गई। जख्मी हालत च जरनैल नूं स्थानक बागी हस्पताल लिजाया गया, जिथों पुलिस वल्लों उस नूं सिविल हस्पताल शिफ्ट कर दिता गया। हुण इह मिस्टेक आइडेंटिटी का मामला है जां वजह रंजिश कोई होर ही है। संबंधी पुछे जाण ते DSP बरिंदर सिंह ने दस्या कि जदों राजस्थान पुलिस ते थाना कैंट पुलिस उक्त समगलर नूं फड़न जा रही सी तां जरनैल सिंह भी उस दी गड्डी च सवार सी। DSP ने दावा कीता कि जदों जरनैल सिंह ने उक्त समगलर नूं भजाउण दी कोशिश कीती तां इस दौरान होई फायरिंग च जरनैल सिंह जख्मी हो गया। उधर स्थानक सिविल हस्पताल विखे पहुंचे जरनैल सिंह दे रिश्तेदारां ने पुलिस ते कई तरह के गंभीर दोष लाउंदिआं सियासी रंजिश तहत जरनैल नूं मरवाउण दी कोशिश दस्सिआ। उधर मौके ते ही मौजूद राजस्थान पुलिस दे एक अफसर ने दस्सिआ कि STF राजस्थान अंग्रेज सिंह नां दे किसे समगलर नूं फड़न लई पंजाब आई सी, जिस दौरान अंग्रेज नूं फड़न दी कोशिश कीती जा रही सी तां जरनैल सिंह भी अंग्रेज दी कार च ही सी। उधर इस संबंधी पुलिस का दावा है कि इस दौरान दोवें पासे हुई फायरिंग च जरनैल सिंह नूं गोली लगी है। थाना कैंट पुलिस अधिकारी कृपाल सिंह ने दस्या कि इस दौरान एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि एक फरार है। अगली खबर दोस्तों, श्री दरबार साहिब मत्था टेकन आए श्रद्धालुओं नूं प्रसाद दा जहरीला लड्डू खुआ के मारन वाले 2 नौजवान काबू। गुरदासपुर तो आए श्रद्धालुओं नूं जहरीला लड्डू खुआ के लुट करन वाले 2 दोषियों नूं अमृतसर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तुहानूं दस दईए कि प्यारे सिंह नां दे श्रद्धालु नूं दोवां ने जहरीला लड्डू खुआ के लुट लिया सी, जिस तो बाद प्यारा सिंह दी मौत हो गई सी। CCTV दे आधार ते पुलिस पहुंची अते उन्हां कोलों चोरी कीता समान बरामद कीता अते बाकी लई छापेमारी शुरू कर दित्ती। पुलिस ने दोषियों कोलों लुट दा समान भी बरामद किया है। यह लोग गैंग बना के सचखंड श्री हरिमंदर साहब आने वाले श्रद्धालुओं नूं जहरीला लड्डू खुआ के लुट दीयां वारदातां नूं अंजाम दिंदे सन। इस सांझी हुण तक दीयां ताज़ा तरीन ते मुख खबरां होर खबरां जानने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद।